हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रिलेटर के कुछ थ्योरम को देखे थे और आज भी हम क्वाड्रिलेटर के कुछ थ्योरम को यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पढ़ा है आज पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो क्या करते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट त्रिभुजों में यानी दो सर्वांशम त्रिभुजों में बांटता है। ये यह हमें यहाँ पे दिखाना है थ्योरम में, यानी साबित करना है। और यानी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती है, इक्वल्स होता है। ये क्या करना है हमें यहाँ पे दिखाना है। देखो यहाँ पे पहला थ्योरम है किसी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, यानी किसी समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। यह हमें क्या करना है यहाँ पे दिखाना है। देखो पहले हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे। देखो पहले हम पैरेललोग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ये हुआ हमारा पैरेललोग्राम। देखो इसका हम नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो इसका जो डायगोनल हम खींचते हैं, अगर मान लो हमें डायगोनल खींच दिए ए को सी से मिला दिया, तो ये क्या हुआ हमारा डायगोनल हुआ। तो ये कह रहा है कि ये जो डायगोनल ये दो कॉन्ग्रुएंट त्रिभुजों में क्या करता है, डिवाइड करता है। यह हमें यहाँ पे दिखाना है कि जितना 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 एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। हमें क्या करना है दिखाना है। देखो दिया क्या है, समानांतर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स होता है। इसके साइड इसके अपोजिट साइड ये क्या होगा, ये और ये साइड क्या होगा, इक्वल्स होगा। और ये साइड क्या होंगे हमारे, इक्वल्स होंगे। देखो दिया है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। जिसमें ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी है, बी सी है। तो अब देखो हम त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है हमें टू प्रूफ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो ए डी सी त्रिभुज ए डी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए बी सी। हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज ए डी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए बी सी है। ये हमें क्या करना है दिखाना है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। अब हम ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, तो ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों त्रिभुज में ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल्स है। यानी सी डी इक्वल्स टू ए बी क्या है, इक्वल्स है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन में ही है, गिवन है। अब देखो और ये साइड ए डी और बी सी, इस त्रिभुज में ए डी और इस त्रिभुज में बी सी क्या है, इक्वल्स है। तो क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है हमारा गिवन है। अब दोनों त्रिभुज में देखो ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल है ए सी, ये क्या है दोनों में क्या है कॉमन है। तो क्या लिख सकते हैं कि ए ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या है, कॉमन। अब देखो साइड यानी साइड से ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किस क्राइटेरिया से, एस 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 से। ये यही हमें क्या करना था, साबित करना था। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। ये तो आपका आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखो हमें पढ़ना है कि समानांतर चतुर्भुज की समुख भुजाएं अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होता है। ये हमें क्या करना है यहाँ पे साबित करना है। देखो पहले हम समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे।
ये क्या हुआ मान समान चतुर्भुज हुआ, इसका नामकरण कर लेते हैं पहले ए बी सी डी। देखो यही सवाल है, अगर यहां से अगर हम बनाना चाहेंगे यहां तक हम सेम यहां तक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे सीपीसीटी से हम क्या करेंगे। अगर ये मान लो कि जब दो ट्रेंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जब हमारा दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसका कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगा इक्वल्स होगा, यानी अपोजिट क्या होगा इक्वल्स होगा। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देखो इसी तरह से हम करेंगे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके जो अपोजिट साइड है मान लो कि ये साइड, मान लो कि ये एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होगा इक्वल्स होगा, और ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होंगे इक्वल्स होंगे। तो इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होंगे इक्वल्स होंगे। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो सोल्यूशन, ए बी सी डी क्या है एक समानांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है हमारा समानांतर चतुर्भुज है। तो अब देखो अगर ये क्या समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है ये ए बी और सी डी क्या होता है, ए बी और सी डी क्या होता है इक्वल्स होते हैं, जिसमें ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, बी सी है। अगर ये पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये क्या होगा ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होगा इक्वल्स होंगे। क्या रीजन क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसमें क्या होगा ये एंगल्स और ये एंगल्स ये भी क्या होंगे इक्वल्स होंगे। क्या रीजन क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से ये क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम चलेंगे त्रिभुज, हमें सिद्ध करना है देखो टू प्रूफ ए बी बराबर सी डी, ए बी इक्वल्स टू क्या करना है सिद्ध करना है सी डी और AD equals to BC हमें क्या करना है सिद्ध करना है AD equal to BC ये क्या करना है हमें सिद्ध करना है। अब हम चलेंगे चलेंगे देखो त्रिभुज, त्रिभुज में नहीं देखो यहाँ पे देखो जितना ये एंगल्स होगा उतना ही ये एंगल्स होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कोण कोण ए सी ए बी, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी इक्वल्स टू कोण सी ए बी इक्वल्स टू कोण डी सी ए, कोण डी सी ए लिख सकते हैं। पहले देखो त्रिभुज में हम चलते हैं त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, तो इस देखो इसमें इस त्रिभुज में ए बी सी में क्या है ए डी सी में देखो ए डी सी में ये एंगल्स, ये एंगल्स और इसमें ये एंगल्स, यानी कोण डी सी ए, कोण डी सी ए इक्वल्स टू कोण सी ए बी, सी ए बी लिख सकते हैं। इसमें ये इस ट्रेंगल में ये एंगल्स और इस ट्रेंगल में ये एंगल्स क्या है इक्वल्स है। अब देखो क्या रीजन का लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा इक्वल्स हो जाएगा हमारा। अब इसमें देखो इस त्रिभुज में ये और इस त्रिभुज में ये, हम क्या लिखेंगे कोण डी ए सी, कोण डी ए सी इक्वल टू कोण ए सी बी, ए सी बी क्या होगा रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही हो जाएगा। अब देखो ए सी क्या है दोनों में इक्वल्स है ए सी इक्वल टू ए सी, मतलब क्या है कॉमन है यहाँ पे। अगर ये हमारा कॉमन हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं अगर हमारा तीन देखो अगर ये भुजा ये एंगल्स और ये एंगल्स, ये एंगल्स और ये एंगल्स और एक साइड हमारा क्या हो गया आ गया, अगर दो एंगल्स और एक साइड आ गया तो ये क्या हो जाएगा दोनों त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिखते हैं देखो त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए
बी सी, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यहाँ पे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है, देखो देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है, इक्वल्स है, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। जो सेम एंगल्स है उसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, जो इस एंगल से जो साइड बन रहा है, इस एंगल से कौन साइड बन रहा है, इस एंगल से ये साइड बन रहा है कौन, ए डी, और इस एंगल से कौन साइड बन रहा है, इस एंगल से एंगल ए से कौन साइड बन रहा है, बी सी, ये क्या होंगे, ये साइड्स इक्वल्स होंगे। अगर एंगल्स इक्वल्स हैं तो साइड क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो इसके इसके अपोजिट साइड क्या होगा, ए डी, क्या लिख सकते हैं, ए डी, इस एंगल के अपोजिट साइड ए डी, ए डी इक्वल्स टू, और इस साइड का अपोजिट साइड बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल टू, देखो एक आ गया हमारा बी सी, क्या हो गया यहाँ पे आ गया। अब देखो अब ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, अब हमें दिखाना है कि ये भी इक्वल्स होता है, डी सी सी डी इक्वल टू ए बी, ये भी क्या होता है, इक्वल्स होता है, ये हमें दिखाना है। तब हम ये एंगल देखो, ये सेम एंगल्स है यहाँ पे, ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है, सेम एंगल्स है। तो इसके जो अपोजिट साइड्स होगा, इसके अपोजिट साइड क्या होगा, इसके सामने का जो साइड्स होगा वो अपोजिट साइड्स होगा, तो ये ए बी, इसका रीजन क्या लिखा, सी पी सी टी, सी पी सी टी, इसमें क्या होगा, ए बी इस एंगल्स के अपोजिट साइड क्या होगा, ए बी, और इस एंगल के अपोजिट क्या होगा, सी डी, रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, ये दोनों ये सब हमारा इक्वल्स आ जाएगा। तो यही हमें क्या दिखाना था, यहाँ पे हमें दिखाना था यहाँ पे क्या प्रूव करना था, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी हमारा आ गया यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही।